हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए डेजी के फ्लावर, और डेजी के फ्लावर शाम के टाइम में बंद हो जाते हैं दोस्तों। अब 5 बज चुके हैं, तो ये देखिए इसके फ्लावर थोड़े बंद होने लग गए हैं। जब जैसे ही इन पे धूप पड़ेगी सुबह की, तो ये खिल जाएंगे दोस्तों। और यहीं पर ये देखिए मिनी डहेलिया जो सिंगल पैटर्न में होता है, और यहीं पर ये देखिए रेड कलर का मेरे गार्डन में डहेलिया खिला है नया, तो बहुत ही सुंदर होता है। इसका कलर जो है नेचुरल कलर जो है इसका, वो अभी कैमरे में आ नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल डार्क रेड कलर है। बहुत ही सुंदर कलर है दोस्तों इसका। तो ये देखिए पूरी तरह खिला भी नहीं है, और मेरे हाथ से भी बड़ा इसका फ्लावर है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो, देखें ना, बिल्कुल खुला भी नहीं है, अभी खिला भी नहीं है, पूरा आधा ही ये खिला है। तो पूरा खिलने के बाद तो कितना बड़ा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कलर है इसका, कैमरे में आ भी नहीं रहा है जो कलर है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाली हूँ, तो आज का वीडियो होने वाला है कि वंडरिंग जीव जो हैंगिंग प्लांट होते हैं समर के, तो उसकी हमें कटिंग किस तरह से लगानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाएं और हेल्दी से ग्रोथ उनकी निकल कर आए। तो कटिंग किस तरह से लगाते हैं वंडरिंग जीव की, तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग निकाल ली है, और मैं आपको बता दूँ किस तरह कटिंग हमें निकालनी है। तो जो मेरे पुराने प्लांट थे पुराने, तो उसी में से मैंने कटिंग निकाली। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये सारी मैंने निकाल कर हटा दी हैं, ये सारे पुराने प्लांटर हैं उनमें से। तो अब मैं नए पॉट तैयार करूँगी अच्छे से कटिंग से लगा के। तो कटिंग कैसे लगाते हैं मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे गार्डन में हैंगिंग प्लांट तैयार कर रही हूँ, तो उसी से कटिंग लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी हुई है दोस्तों। तो इसमें मैंने लिए 30% 40% गार्डन सॉइल लिए, और 30% इसमें मैंने गोबर की खाद लिए, और 30% इसमें मैंने कोकोपीट लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सूखी पत्तियाँ, तो 10% के बराबर मैंने सूखी पत्तियाँ ली हैं इसमें, बिल्कुल क्रश कर रखी हैं, देख सकते हो आप, दिख भी रही होंगी आपको इसमें। तो सुखा के अच्छे से हमें क्रश करके इसमें मिट्टी में मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सूखी पत्तियाँ आप जितनी चाहो मिला सकते हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा काम करती हैं वो खाद का भी, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं पत्तियों की खाद में। तो हैंगिंग प्लांटर को बिल्कुल हल्का बनाने के लिए बहुत ही अच्छा खाद का काम करेंगी वो। तो इसमें आप थोड़ा सा राइस हस्क भी मिला सकते हो दोस्तों, क्योंकि राइस हस्क बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हो। मेरे पास तो इसमें है नहीं राइस हस्क, मुझे मिलता नहीं है यहाँ पे। और इसमें मैंने रिवर सैंड भी मिलाया दोस्तों 10% के बराबर, तो रिवर सैंड भी हल्का होता है मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, वेल ड्रेन बनाने के लिए रिवर सैंड का यूज़ ज़रूर करें। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर ली है दोस्तों। तो अब मैं इसको पॉट में भर लेती हूँ थोड़ा। ये देखिए ये पॉट मेरा, इसमें भी मैंने सूखी पत्तियाँ नीचे डाल ली हैं, और इसके मैंने होल कवर कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, होल हमें ज़रूर कवर कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ठीकरियों से 4 होल इसमें मैंने बनाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा प्लांटर है नहीं, छोटा सा है ये 5 से 6 इंच का। तो इस तरह से मैंने सूखी पत्तियाँ इसमें नीचे डाल ली हैं, तो ये भी कुछ टाइम में डिकम्पोज हो जाएंगी जब तक प्लांट की रूट नीचे तक पहुँचेंगे। तो अब मैं इसमें मिट्टी फिल कर लेती हूँ दोस्तों इस तरह से। तो होल को ज़रूर कवर कर लेना है आपने, नहीं तो सारी मिट्टी नीचे धीरे धीरे पानी के साथ निकल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसकी मिट्टी में मैंने थोड़ा चारकोल भी डाला है दोस्तों। एक प्लांट एक पॉट के हिसाब से एक मुट्ठी हमें डाल लेना है। तो मैं आपको कैसे कटिंग लगाऊंगी, तो ये देखिए दोस्तों मैंने मिट्टी भर ली है, थोड़ा सा और मिट्टी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें मिट्टी मैंने फिल कर ली है, तो अब इसमें हम पानी दे देंगे, क्योंकि मिट्टी हमारी थोड़ी सूखी है। तो कटिंग को
लगाने के बाद पानी देंगे तो कटिंग हिल सकती है, तो मिट्टी को थोड़ा गीला करके हमें फिर कटिंग को लगाना है ताकि कटिंग हमारी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो अब ये थोड़ा सा पानी जब नीचे चला जाएगा मिट्टी में तब इसमें मैं कटिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह की कटिंग मैंने ली है। इतनी बड़ी कटिंग आपको लेनी है इस तरह की, देखिए ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। अगर आप बड़ी कटिंग लोगे तो वो नीचे हैंग करेगी थोड़ा, तो फिर हिलने का भी उसको डर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं दोस्तों, ताकि हमारा पॉट ना जल्दी से प्लांट कवर कर ले और जल्दी से घना हो जाए। तो जब हैंग करेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों, बिल्कुल भरा हुआ पॉट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ही आपको लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की कटिंग आपको लगानी है। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको मिट्टी में गड़ा देना है, गीली मिट्टी है, बिल्कुल आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मिट्टी में चली जाएगी। तो इस तरह से मैं सारी कटिंग लगा दूंगी, पूरा पॉट हमें कवर कर लेना है बस। तो ये देखिए दोस्तों, सारी कटिंग मैंने लगा दी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हमें बस इसमें लगानी है ताकि पॉट जल्दी से कवर कर ले ये, और बहुत ही घना सा प्लांट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और 8 से 10 दिन में कटिंग चल जाती है दोस्तों, बहुत ही आसानी से लगने वाली होती है ये, और बहुत ही जल्दी लगने वाली भी होती हैं दोस्तों। बस इनको लगा के थोड़ा थोड़ा हमें बस दबा देना है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग लगा के तैयार कर लेनी है। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों। और इसको 1 हफ्ते तक हमें शेड में ही रखना है, उसके बाद आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप जहाँ मिल जाए इसको, ऐसी जगह पे आपको शिफ्ट कर देना है। तो बाय दोस्तों।